सवाल नंबर एक, कौन एक आंख से आगे की ओर तथा उसी समय दूसरी आंख से पीछे की ओर देख सकता है? जवाब है गिरगिट एक समय आगे की और उसी समय पीछे की ओर भी देख सकता है। सवाल नंबर दो, कृषि की वह शाखा जो पालतू पशुओं के चारे, आश्रय, स्वास्थ्य तथा प्रजनन से संबंधित होती है, उसे क्या कहते हैं? जवाब है पशुपालन, या फिर इंग्लिश में कहें तो एनिमल हस्बेंड्री। सवाल नंबर तीन, वृद्ध अवस्था के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जवाब है जेरेंटोलॉजी कहा जाता है। सवाल नंबर चार, जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन को कहते हैं? जवाब है जननांकिकी कहते हैं। सवाल नंबर पाँच, एक जलीय पौधे को क्या कहते हैं? जवाब है एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। सवाल नंबर छह, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? जवाब है एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। और आप कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए क्या उपाय अपनाते हो, कमेंट में जरूर बताना। सवाल नंबर सात, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? जवाब है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। सवाल नंबर आठ, वृक्ष की आयु का वर्षों में निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? जवाब है उसमें उपस्थित वार्षिक वलियों की संख्या के आधार पर। सवाल नंबर नौ, समतापी प्राणियों में ताप का नियमन करने वाला मस्तिष्क केंद्र क्या है? जवाब है हाइपोथैलेमस है। सवाल नंबर दस, हमारी जीभ पर स्वाद कलिकाएं जो खट्टे का ज्ञात कराती हैं, जीभ के किस भाग पर पाई जाती है? जवाब है पार्श्व भाग में पाई जाती है। सवाल नंबर 11, मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर करने वाली फसल कौन सी है? जवाब है मटर की फसल। सवाल नंबर 12, मस्तिष्क का जो भाग बुद्धि का भाग कहलाता है उसे वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? जवाब है सेरिब्रल हेमिसिफायर कहते हैं। दोस्तों, अब तक की सभी एग्रीकल्चर टॉपिक वाले वीडियो का प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दिया गया है, आप जाके देख सकते हो।